वालेकुम सामिकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी। अच्छा मैडम, अभी डेट अनाउंस हो गई है पीएमएस की, तो जी बिल्कुल बड़ी बेटा, टेंशन भी मैं हो रही है। आप इतना इतना ज्यादा जो टाइम लगा रहे थे, अब आइडिया हो गया आपको आप क्या कर रहे थे? जी मैं अब नेट से ही पढ़ रहा हूँ सारा, जो भी है बेटा बुक मैंने से थोड़ा आपको बहुत। शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट को फॉलो करें, यू विल बी अमेज्ड। ठीक है कि कैसे जल्दी तैयारी होती है। और मैंने आपको उस दिन सारा किस तरीके से 1 घंटे में एक टॉपिक करवाया, सारा जी सिर्फ पॉइंटर्स बनाने हैं। हाँ जी ठीक है, वही कह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा बीच में टाइम मेरे हेल्थ वाले टॉपिक पे लगा था, अभी वो आधा हो गया, आधा रहता है अच्छा बेटा मेरी तो। बात सुने, यू मस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन। आई एम सेइंग यू अगेन, जस्ट जी अटेम्प्ट 5 years पेपर एंड गेट अ चेक फ्रॉम मी। बस सारा फोकस आपका उस पे होना ठीक चाहिए। आपको ना, मुझे एक आइडिया हुआ है दो के, मैं इतनी ज्यादा उसमें घुसी तो नहीं हूँ, बट आई गो टू नो बेटा आपका क्या इशू आ रहा है। आपका इशू आ रहा है कि आप जो है ना चीजों में अंदर घुस रहे हैं। अंदर घुसने की बिल्कुल वजह सर। से ना आपका सारा टाइम अननेसेसरी स्टफ में जा रहा है बेटा। इतना घुस के कोई नहीं, आप जुबानी भी लिख सकते हो। अब मैंने जो दो चीजें आपको कही हैं, मैंने जो आपका स्केड्यूल बेटा इतना टाइम लगा के बना के दिया है, वो कहाँ गया है? कहाँ ठीक है, नहीं रुक वो गया? मैं ना अभी इस वीकेंड पे ना जो अब 2-3 टेस्ट इकट्ठे ही दे देता हूँ आपको, मेरी जो बात सुनी? बनाएगा नहीं आपने। बेटा, दो तीन इकट्ठे नहीं देने अरसलान, यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखें मैंने आपको दिया ना, जी आपने एक टेस्ट वन तैयार किया, उस टेस्ट वन से जी रिलेटेड मटेरियल तैयार किया, वो मैंने पास पेपर एनालिसिस करके, सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट एनालिसिस करके बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया। ठीक ठीक है, है तो अभी आपने टेस्ट वन उठाया, उसको हर एंगल से या पास पेपर, ओ सॉरी, नेट से, बुक से, जो मटेरियल है, ज्यादा नहीं टाइम लगाना, तैयार किया, और उसके बाद मुझसे के क्वेश्चन दूंगी। मैं क्वेश्चन दूंगी, वो एक ही आप अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं उसका आंसर डिटेल में चेक करूंगी। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक और उसके बाद जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपने से पेपर में असल पेपर अटेम्प्ट करना, आपको नॉलेज काम ज्यादा आता है, डजेंट मैटर। जी ठीक है। अच्छा तो फिर ना वीकेंड पे एक सैटरडे को टेस्ट दे देता हूँ, एक संडे को। ठीक बेटा आप दे, मेरी तरफ से कल दे दे, मैं आपको कह ठीक रही है हूँ एक पहले चेक करवाएंगे फिर अगला लेना, मैं ये कह रही हूँ, चलें ठीक है क्योंकि बेटा सेम मिस्टेक्स रिपीट होती हैं। जी ठीक है। अच्छा ओके बेटा जी, अब मैडम जरा मुझे थोड़ा सा आगे गाइड कर देना कि मैं किस तरह से आगे भी चलूं, जो आपने शेड्यूल्स क्या है उस बनाया उसी के मुताबिक करूं, जो टेस्ट वगैरह आपने बनाए हैं। जी बेटा मैंने जो बनाए हैं, फिलहाल आप एक सब्जेक्ट को उठाओ, रोज का एक टेस्ट दो, बड़ा टेस्ट है, 6 भी हो जाते हैं ना, इट्स प्रीटी मच फाइन, जी 6 करके अगला ठीक सब्जेक्ट करो। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में प्रो होने के बजाय यू वुड नंबर ऑफ, मतलब सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ग्रिप होगी। आपने जीके, उर्दू, एजुकेशन तो आपका नहीं है ना, नहीं, अब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है बेटा? मेरा अभी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी है, इसके अलावा मुझे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस, टेंशन जो है ना जो वो। मेरा तो पॉलिटिकल साइंस नहीं है। ठीक है, जी वो तो ठीक है, वो मैं कर लूंगा, मुझे ज्योग्राफी का थोड़ा सा है इशू, तो वो ज्योग्राफी पता मेरी चल जाए बहुत आपको। स्ट्रांग है, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगी। प्लीज बेटा पहले ये हाँ जो मैंने इस पे गाइड किया, प्लीज इसको जरा डिटेल में देख ले। जी इसी को अब कर रहा हूँ मैं, अब नेट से उठाता हूँ, तो एक एक दो दो पेज पढ़ता हूँ एक टॉपिक पे, कहीं ना कहीं से डाटा इकट्ठा करता हूँ, बेटा नेट से भी तो टाइम वो। कंज्यूमिंग होगा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने ना जो जी बुक्स है ना, बुक्स, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा आपका सोशियोलॉजी का है? दो तीन तो आपके पास सॉरी होंगे कि नहीं होंगे बुक्स? आपने एक टॉपिक को बुक्स दो बुक हैं से पढ़ा, अगर तो अच्छा अंडरस्टैंड किया हुआ लिखा मिल रहा है, बस वही तैयार करके उसके अंदर से 2 पेजेस 3 पेजेस के नोट्स बना लो, डेट्स ऑल, अगला टॉपिक करो। आप ठीक मेरा पॉइंट समझ रहे हो बुक बेटा? से। नेट पे भी जी स्कैटर्ड मुझे समझ होता है, आ गया। जो बुक से ना मिले हाँ वो जी नेट पे जाओ प्लीज।
हाँ वो ऐसे कह रहा हूँ, जी बेटा ऐसे कह अरसलान, रहा हूँ। आप अननेसेसरी गुस्से रहे हैं बेटा, इस तरह से नहीं नहीं होगा। असल में ना बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना पड़ता है ना, तो इसलिए फिर बस टाइम मेरी बात डिवाइड सुन, करने का इशू मैं रह आपको गया। सही मशवरा दूं, आप एक हफ्ता लगा के ना जरा इसको सब्जेक्ट को तो निकाल लें। इसके 3 से 4 टेस्ट भी हो गए ना, फिर इसको स्लो डाउन कर देना, फिर दूसरे सब्जेक्ट उठाना बेटा। आप ठीक मेरा है अब पॉइंट इसी सुनो पे सर, फोकस। ठीक है समझ आ गया। एक सब्जेक्ट के 5 से 6 टेस्ट दे दोगे ना तो 4 क्वेश्चन तो उधर बैठे हो जाएंगे। हाँ जी 5 5 आपकी कोशिश होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट के 5 5 टेस्ट आपने देने हैं, ठीक है? उसका ये जी फायदा होगा आपके सही। 5 4 4 5 5 पेपर भी आराम से अच्छे वाले और मुझसे चेक हुए होंगे, तो यू वुड बी एट द बेटर पोजीशन। यहाँ पे बच्चे ये मुझे फीडबैक दे रहे थे कि वो जो टेस्ट जो चेक होके मिले हैं ना उनको, वो ज्यादा प्रोडक्टिव हुए हैं और उन्हीं में से चॉइस करके उनके अटेम्प्ट हो रहे थे 5 5 क्वेश्चन 4 4, ठीक है? तो मैं आपको शॉर्टकट ठीक बता रही हूँ, टाइम कम है, आज देखिए कितने दिन रह गए हैं, दिन 20 दिन है, तो 20 को डिवाइड करो। हाँ, आपने हर सब्जेक्ट के 5 5 देने हैं, 5 5 टेस्ट, ठीक है। ठीक है? बना लेंगे अपनी एक स्ट्रेटेजी, मुझे अपना एक छोटा सा प्लानर बना दे, जैसे बल्कि आप तो, ओहो आई एम सॉरी, मैं तो आपको अपने मेंटोरिंग वाले स्टूडेंट्स में ऐड, ओहो आपका तो बस एक ही सब्जेक्ट है, मैं उनके साथ समझ रही थी आपको। हाँ मेरा सोशियोलॉजी है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, असल में बाकी सबका वो सारे सब्जेक्ट्स है ना, इसलिए मिक्स हो गया। चलें, हर आपको पता तो लग गया ना कैसे करना है आपने, ठीक है? आपने तो मेरे पास हाँ यही सब्जेक्ट करना है, जरा इस पे फोकस करें। ठीक और कुछ बेटा? बस ये भी कर रहा हूँ मैं ऐसा इस तरह। अब थोड़ा स्पीड पकड़नी है, थोड़ा तो हेल्थ वाला मुझे बता दें, वो कौन से मैंने वाला? स्लाइड भेजी थी हेल्थ वाला टॉपिक, मुझे हेल्थ वाला टॉपिक शेयर करें, मैंने वो भेजा था आपको, दोबारा करूँ मुझे मेंशन कर दें कि दिस, या दोबारा कर दें, खैर व्हाट्सएप मैं। मिल गया शायद मुझे, 1 मिनट, मिल गया बेटा, रहने दे, मिल गया। व्हाट ठीक। इज मेंट बाय हेल्थ, 1 मिनट, वैसे ये ही जहाँ मैं, जिन पे हाइलाइट किया हुआ है ना, ये मैंने कर जी, लिया, जो मैंने जो हाँ बाकी हाँ है यहाँ पे वो गुस्सा कर दिया, गुस्सा तो मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स पे कर रही थी, बात। मुझे लगा कि आप मेरे फुल वाले स्टूडेंट हैं, मुझे अभी भी पता लगे कि आपका जस्ट एक सब्जेक्ट, असल में बाकी सारे, बाकी जो ग्रुप में है ना लोग, वो मेंटोरिंग में है, मतलब वो सारे सब्जेक्ट के टेस्ट देते हैं, तो वो सब आराम से बैठे हुए थे। मैं उस दिन से इनको कह रही थी जून जुलाई मिड में कहीं भी शुरू हो सकता है, लेकिन वो समझ रहे थे जी एंड पे होगा, जुलाई के एंड पे। खैर नहीं कोई वो बस बात इन्होंने ना एक नहीं, महीना दिया सिर्फ CSS के बाद। लेकिन मेरी बात सुने, काफी लोगों की ऑलरेडी तैयारी थी, ठीक है? नहीं उनकी होगी ना, हम तो CSS में लगे हुए थे, अब उसके बाद अचानक याद नहीं आया। बेटा, CSS से ही तैयारी हुई है उनकी। आप लोग अगर सिर्फ 1 महीना उर्दू और PMS को, ये सब्जेक्ट को दे दो ना तो काफी है। मैंने आपको ये जो स्ट्रेटेजी बताई है ना, और जी मतलब शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीनिंग करके पढ़ने की, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक अच्छा, बिकमिंग अ हेल्थ स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक क्या होता है? मतलब बेसिकली वो इसमें बता रहा है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उसका काम होता है स्टेटिस्टिक को नोटिंग करना, इसमें मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, ठीक है? इसमें जो है बेसिक डिजीजेज हो गई, उसका क्या प्रपोर्शन है, डेमोग्राफी पे उसका क्या इम्पैक्ट है, स्टेटिस्टिक के जो हेल्थ के इंडिकेटर्स है ना वो है, ठीक है? हेल्थ के इंडिकेटर क्या होंगे, एक मोर्टेलिटी रेट हो गया, एक डिजीजेज हो गया, एक चाइल्ड बर्थ रेशियो हो गई, एक ठीक है पॉपुलेशन डेथ बस्ट रेट हो हो गया। गया। जी ठीक है डेथ रेट तो उसी में आ गया ना, मोर्टेलिटी जी जी बिल्कुल। में। और ठीक है अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया द पावर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। उसने ना आपको इतना अच्छा PMS का सिलेबस बना के दिया, उसने आपको सिर्फ कहा इन 3 एरियाज में काम करना है। मेडिकल प्रोफेशन की पावर आपको पता है, मेडिकल प्रोफेशन क्या है, ये सर्वाइवल के लिए होता है,
ये सोसाइटी को सर्व करता है, ह्यूमैनिटी को टारगेट करता है, ठीक है। इनकी एक सॉफ्ट पावर होती है, मेडिकल प्रोफेशन लाइफ सर्विंग ह्यूमैनिटी सर्विंग लाइफ, ठीक है, सर्विंग ह्यूमैनिटी सर्विंग जो है वो काइंडनेस, ये सारे मेडिकल प्रोफेशन की पावर्स में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले एम उसने कहा है प्रोटेक्टिंग द पेशेंट, पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना। पेशेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको लाइफ एड लाइफ सेविंग, ठीक है, फर्स्ट एड, उनको इन डेप्थ वो करके, उसके बाद अगर आप जो है डिजीज को, ये तो पता नहीं लोग नेबर्स से भी जाहिल हैं। अच्छा क्या बता रहे थे आप, पावर था पेशेंट्स की, अगर आप सही से उसकी बीमारी को डिजीज को पिन पॉइंट कर लो तो आप उसको प्रिस्क्राइब करना, प्रिस्क्रिप्शन देना इजी हो जाता है। इसी तरह से क्रिटिसिज्म ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन क्या है भाई, वो हार्टलेस सेंसलेस होते हैं, ठीक है, वो गलत दवाई दे दें तो किसी को मार भी सकते हैं, वो मनी मिंटिंग में भी जा सकते हैं। इसी तरह मेडिकल प्रोफेशन जो है वो वैसे तो उनका काम सर्विंग ह्यूमैनिटी है, लेकिन अगर वो पैसे की तरफ जाते हैं तो वो अपने बेसिक कॉज से दूर हो जाते हैं, ये सारे उनपे क्रिटिसिज्म है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है या नहीं? जी जी आ रही है। अच्छा इसमें मार्क्सिज्म आ जाएगा ना जी, इसमें मार्क्सिज्म आ जाएगा ना कि मतलब मनी मेकिंग जहाँ पे आती है कि वो सिर्फ अच्छा। पैसे के लिए करते हैं जी बेटा, लेकिन बेटा मैं आपको एक फिर से एक बात कहूंगी उस दिन वाली, वो नीचे है मार्क्सिस्ट अप्रोच टू हेल्थ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अभी उसने सिर्फ पूछा है क्रिटिसिज्म क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इरोजन ऑफ मेडिकल पावर, इरोजन क्यों है, कैसे मेडिकल पावर कम हो रही है, मिसाल के तौर पे पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में सब हुई जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मेडिकल पावर में ये कि अब लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, वो वैक्सीन ही नहीं होती, उसके बाद इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गई है ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स की एक जो रोब दबदबा और डॉक्टर्स को एक वो समझा जाता था इलीट प्रोफेशन, वो भी खत्म हो गया है। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ, वो ये पूछा क्या एरोजन हुई है मेडिकल पावर की कि नहीं, तो आंसर इज पार्शली यस पार्शली नो, 100% भी नहीं हुई बेटा। आज भी मेडिकल पावर के थ्रू वो क्या कुछ नहीं कर सकते जी, एक मिनट दो बेटा मुझे।
बेटा बस मुझे 2 मिनट्स दे, गेस्ट आए। ठीक है मैडम। मैडम असल में मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है, अच्छा तो मैं अच्छा बाद में बेटा ज्वाइन अच्छा, करूँ। सॉरी, 1 मिनट मैं हाँ बताती हूँ। वो ना उर्दू की क्लास है, चले अच्छा अच्छा बाद में बेटा, कर लूँ। अच्छा बेटा पहले इसको कर लेते। हाउ सोसाइटी इन्फेंट्स हेल्थ, पहला आगे इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इन द 19 एंड अर्ली सेंचुरीज, मतलब कि कैसे सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ के मैटर को। तो एक तो पॉइंट ये कि हमारी सोसाइटी अगर अच्छी होगी ना तो हेल्थ इम्प्रूव करेगी, जैसे कि 90s में हुआ था। मिसाल के तौर पे प्रायोरिटी की बात होती है ना, सोसाइटी में अगर लोगों का रुझान ये होगा कि किसी फकीर पीर के पास चले जाओ तो सही हो जाएगा, या फिर आप किसी वो क्या कहते हैं हकीम के पास चले जाओ तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सही वो कहते हैं कि जो है ना आपकी डिपेंड करता है इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, ठीक है, ठीक है। कैसे सोसाइटी जो है ना हेल्थ को, हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस हेल्थ, अच्छा इसमें मैं एक दो पॉइंट ऐड कर दूं कि बताएं। एक तो मतलब सोसाइटी जिस तरह प्रेशर डालती है लोगों पे मेंटल इलनेस वगैरह पे, इसमें वो जी भी आ बिल्कुल, सकता है। जैसे और अगर दूसरा यहाँ ये, पे हाँ सोसाइटी बहुत रोल प्ले करती कि साइकेट्रिक्स के पास नहीं जाना, वो हाँ समझते जी मेंटल हाँ हेल्थ तो जी इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हाँ जी। और जब कोई बीमार हो तो उसकी किस तरह से मदद करनी है, उसकी खिदमत करनी है, आदत करनी है, उस जी वो चीज़ एक इन्फ्लुएंस करती है। और जी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाटर के या सैनिटेशन की बिल्कुल जो कर सकते हैं फैसिलिटीज। बेटा। ठीक है अच्छा नेक्स्ट, मैंने ना अपनी बेसिकली ना जगह चेंज की है, मुझे ना हमारे घर के पीछे ना मतलब साइड में किसी दूसरे घर का सर्वेंट क्वार्टर लगता है, तो वो उसकी वजह अच्छा से ना काफी आवाजें, आपको पता है लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा होता है तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो मैं उधर से रूम चेंज किया। अच्छा, चलो। इनइक्वालिटीज इन हेल्थ केयर फंडिंग, अमीर जो है अच्छी जगह पे जाएगा उसको अच्छी मिल जाएगी, जो गरीब बेचारा है वो क्या कर सकता है, ठीक है, गरीब ठीक है के पास पैसे नहीं होंगे वो कहेगा यार पेनाडोल खा के गुजारा कर लेते हैं, ठीक है जो अमीर होगा वो घर बैठे मेडिकल ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकता है। जी तो फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ज्योग्राफी, डीएचए में रहने वाले लोग जो हैं वो हेल्थ को प्रायोरिटी सही देंगे, उनके पास पैसे होंगे भी, वो भागे भागे जरा सा सांस भी उनका उखड़ेगा तो वो डॉक्टर पास चले जाएंगे। जो गरीब बेचारा वो ठीक कहेगा ये फ्लू है मौसमी, ठीक है ऐसे ठीक हो जाएंगे। है। ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट, आपने एक एक एग्जाम्पल दे देनी है, उन सीरियस नोट बेटा, मजाक समझ हाँ रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं ले नहीं रहे सही, नहीं सही कह रही हूँ। सोसाइटी की एग्जाम्पल देनी चाहिए हो। पाकिस्तान से या और इस पूरी तरह दुनिया से से। सोशल क्लास है, पाकिस्तान में 3 क्लासेस हैं, चार, एक अपर बल्कि जी 5 है बुक्स के अकॉर्डिंग, अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, जी मिडिल क्लास, अप अपर बेटा मिडिल भी है। 5 है, चले मुझे अब ये एग्जैक्ट नहीं याद आ मैं रहा। देख लूंगा, वो मैंने हाँ पढ़ी, देखा था बुक में वो लिखा हुआ इस था। तरह की है, कोई 5 मिलती जुलती, अपर मिडिल और लोअर तो है, उसके अंदर 2 और उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासिफाई किया है। अपर मिडल है की इन्होंने, एक चीज हाँ लोअर एक मिडल तो भी मुझे शायद याद कहते है, एक नहीं याद, अब 5 साल हो गया मुझे। हैं। ठीक डिसेबिलिटी, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा कोई डिसेबल है तो वो हेल्थ को फिर भी प्रायोरिटी में लेगा बजाय के जो एबल होगा। ठीक है। अच्छा इसमें एक रह गया जेंडर डिफरेंसेस इन हेल्थ, जी जेंडर डिफरेंसेस एक रह गया था ऊपर वाले में, जेंडर जेंडर डिफरेंसेस कैसे हैं। डिफरेंसेस, जो मेल्स है ना वो जी हेल्थ की तरफ कम है उनकी इंक्लिनेशन, जो फीमेल्स है ना वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो ठीक प्रेफर करती हैं और वो उसमें हो जाती हैं, ठीक है। इसमें एक ये थोड़ा सा फैक्टर नहीं आएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला, नहीं के मतलब नहीं जैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है हेल्थ के कि मामले में जेंडर तो। डिफरेंस डिफरेंसेस इन हेल्थ केयर, देखिए औरत को ज्यादा जरूरत होती है मतलब उसने जो है आगे जनरेशन करनी होती है, वो बार बार हेल्थ पे को प्रायोरिटी देती है, जो मेल्स होते हैं वो इग्नोर कर जाते। इसी तरह से ट्रांसजेंडर, उन बेचारों को तो वैसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो
और जो मेडिकल प्रोफेशन में नर्सेज वगैरह होती हैं, ये भी उसमें पॉइंट आ सकता है कि उसमें फीमेल ज्यादा हैं जी, नर्सिंग। इसमें बिल्कुल ये वाला पॉइंट आ सकता है। बाकी आखिर मेंटल इलनेस रहेगी। अच्छा, उसके बाद मेंटल इलनेस, ये तो वही बात हो गई जो अभी हम पहले कर रहे थे। मेंटल इलनेस क्या होती है? अपने माइंड से काम ना करना, ठीक है, उनको पता ही ना होना कि दिमागी हालत भी इम्पोर्टेंट है। मेंटल इलनेस में ये भी पॉइंट आ जाता है कि आप अपनी डे टू डे एवरीडे लाइफ को नहीं करना अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, लाइक फिजिकली यू सीम टू बी फिट बट मेंटली यू आर नॉट, ठीक है। इसके पीछे डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, जैसे एक उसमें बायोमेडिकल अप्रोच होगी, एक होगी सोशल कंस्ट्रक्शन। बायोमेडिकल अप्रोच क्या होती है कि लोग समझते हैं ये जादू टूना नजर ये कोई चीजें नहीं है, दिमाग मतलब प्रॉपर मेंटल, मेडिकल इसका इलाज करवाना, हाँ इलाज साइकेट्रिस्ट है, के पास जाना, ये हमारे दिमाग का मेडिसिन कसूर लेना। नहीं है, इसमें देर इज रियलिटी बिहाइंड इट। जबकि सोशल कंस्ट्रक्शन और मेंटल इलनेस क्या, वो कहते हैं जी बस ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ये तो नजर भी लग सकती है, ये तो टायर्ड है, ये कुछ दिनों की बात है। इस चक्कर में लोग डिप्रेशन, बाइपोलर और डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है ना उसमें चले जाते हैं। सोसाइटी का प्रेशर भी है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस होती है। बस बेसिक यही है सोशल कंस्ट्रक्शन में, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिस हैं, वो आएंगे। जो ऊपर बायोमेडिकल अप्रोच है उसमें मेडिकल की भी रीजन है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा और कुछ बेटा? फिलहाल तो यही मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद लेकिन बेटा ये इजी बाकी। है, इस पे इतना टाइम नहीं लगाएं। इसको करने का वे क्या ठीक होता है, डिफाइन करें और एक इलिस्ट्रेशन जी। दें, डिफाइन करें इलिस्ट्रेशन दें। आपकी जगह बचेगी नहीं, सिर्फ आपने इसमें जो मुझसे पढ़ा है ना उसमें भला दो चीजें क्या पढ़ने वाली हैं आपकी, सिर्फ हाँ बायोमेट्रिक अप्रोच पढ़ लें और सोशल कंस्ट्रक्शन नेट पे पढ़ लें। उसके बाद आपने ठीक जो है ना जो पढ़ने वाली चीज है वो मैं बस बता देती हूँ, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, बस। बाकी बेटा इसमें कुछ बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं, थ्योरेटिकल मतलब जितनी भी थ्योरीज हैं वो पता होनी चाहिए, बाकी अप्लाई उसको करना होता है सोसाइटी बाकी के साथ, अप्लाई समझ करने का वे लिया। मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी, एग्जांपल दी। मुझे कुछ करके दिखाओगे तो बेटा मुझे पता लगेगा। मैंने सॉल्ट ठीक है, पेपर वो अपलोड किए, देखिए आपने? सॉल्व पेपर जो हाँ, मैंने इस पे आप कुछ अपने 5 ईयर्स के पेपर वेबसाइट पे, सॉल्व किए हैं। नहीं मैंने नहीं देखे वो, मुझे लिंक सेंड कर देना अगर। बेटा लिंक है आपके पास, इन सिंबल सीएसएस लिखे ब्लॉग में, टॉप पे जाएंगे सोशियोलॉजी। हाँ अच्छा चलो मैं वो ढूंढ लूँ। ठीक, थैंक यू मैडम, अल्लाह ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।